हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट। तो गाइज, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हो और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन इजीली आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर में गुलकंद किस तरीके से बना सकते हैं। गुलकंद जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है और कई सारी मिठाइयों डिज़र्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गुलकंद से आप मिठाइयाँ भी बना सकते हैं और पान सॉर्ट्स, ठंडाई, कई सारे ड्रिंक आप इससे बना सकते हैं। गुलाब बहुत ही ठंडा होता है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। गर्मियों में जो हम पीने के लिए ड्रिंक तैयार करते हैं उसमें गुलाब की पंखुड़ियां भी डालते हैं और गुलाब से बना हुआ गुलकंद भी डालते हैं। तो अगर आप मार्केट से खरीदने जाओगे गुलकंद तो आपको महंगा पड़ेगा और घर में बहुत ही अच्छे से और 2 से 3 चीज़ों से ये तैयार हो जाता है। तो अगर घर में गुलाब इस तरीके से है, गुलाब के पौधे हैं, गुलाब का फूल है, तो आप इसे बना सकते हो। तो ये मैंने अपने घर का ही गुलाब ले लिया है, देसी वाला गुलाब है, छोटा छोटा वाला, कोई सा भी गुलाब आप ले सकते हैं। वैसे तो देसी गुलाब की ही ज़्यादा उपयोगिता होती है गुलकंद में, क्योंकि देसी गुलाब खाने के लिए भी अच्छा होता है और इसमें महक भी बहुत ही प्यारी सी होती है। तो आप देसी गुलाब ही यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, वही लीजिए। अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो दूसरे गुलाब भी आप ले सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है कि वो आपके खाने योग्य हो। तो ये मैंने देसी गुलाब ले लिया है और ये देखिए, इसकी जो ये हरी हरी पंखुड़ियाँ इन्हें मैं निकाल रही हूँ और इसे मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया था और बिल्कुल ये ताज़ी ताज़ी हैं, मैं अभी इन्हें तोड़ के ही ले आई हूँ। तो ये देखिए, इनकी जो ये पंखुड़ियाँ हैं इन्हें आप इस तरीके से एक प्लेट में ले लीजिए, फैला लीजिए। तो ये मैंने ले लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास पंखुड़ियाँ, इतनी ही हैं। तो अब चलिए, अब हमें क्या करना है कि इसमें चाहिए चीनी। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप चीनी लिया है और जितना इस्तेमाल होगा उतना ही करेंगे, बाकी चीनी बच जाएगी। और 1 टेबल स्पून शहद, शहद डालने से गुलकंद में एक अच्छा स्वाद भी आता है और गुलकंद की जो उम्र होती है यानी कि ये कितने दिन तक टिक सकता है, तो अगर आप 1 चम्मच इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं शहद तो ये काफ़ी दिनों तक अच्छे से स्टोर रह पाता है, जल्दी ख़राब नहीं होता। और ये है 1/2 चम्मच हमारे पास सौंफ और ये मैंने 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर लिया है। तो अब हमें क्या करना है कि इसे हम इस तरीके से लेंगे और फिर इसमें हम 1 चम्मच के लगभग ऐसे चीनी लेंगे, ये देखिए। और फिर क्या करेंगे कि हम इन्हें इस तरीके से हाथों से मस लेंगे। तो आप एक प्लेट ले लीजिए, तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले लिया, ये देखिए, मतलब एक मुट्ठी इस तरीके से आपको पंखुड़ियाँ उठानी है और उसमें 1 चम्मच आपको चीनी लेना है और हाथों से इन्हें मसलना है और फिर इसी प्लेट में आपको रखते जाना है। और इसका दूसरा तरीका भी है कि ये जैसे पंखुड़ियाँ हैं, अब इसमें आप हिसाब से चीनी ले लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जैसे 1 मुट्ठी में 1 चम्मच। तो इस तरीके से आप इसमें चीनी लीजिए और इन्हें एक ही साथ अच्छे से ऐसे ऐसे मसल लीजिए। तो आप दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक साथ वाला भी और थोड़ा थोड़ा लेके भी। अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो आप थोड़ा थोड़ा मुट्ठी मुट्ठी लेके करिए और अगर कम क्वांटिटी है गुलाब की तो आप एक साथ भी कर सकते हैं। तो इन्हें अच्छे से आपको क्या करना है, मसल लेना है। ये देखिए, अच्छे से मसला गए हैं। तो इन्हें अब मैं यहाँ पर रखती हूँ और फिर हम इसमें क्या करेंगे, ये जो सौंफ है इसे हल्का सा दरदरा कूट लेंगे। तो अब हम लेंगे एक पैन और इसके अंदर ये जो गुलाब की पंखुड़ियाँ हमने अच्छे से क्रश की हैं, मसली हैं, इन्हें डालेंगे और इसी के साथ इलायची पाउडर भी हम यहीं पे ऐड कर देंगे और ये जो हमने दरदरा कूट लिया है सौंफ को इसे भी यहाँ पे डाल रहे हैं। अब चीनी की ज़रूरत नहीं है, इसे आप हटा लीजिए और चलिए इन्हें हम बस कुछ सेकेंड के लिए ही रखेंगे गैस के ऊपर, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो ये देखिए, मैंने इसे गैस पे चढ़ा दिया, बिल्कुल लो फ्लेम है और आपको 40 से 50 सेकेंड ही इन्हें इस तरीके से चलाना है ताकि ये जो चीनी है आपकी ये मेल्ट हो जाए, बस इतना ही आपको पकाना है इसे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना आपको। ये देखिए, धीरे धीरे हमारी जो चीनी है वो घुलनी शुरू हो गई है। और गुलकंद बनाने का एक नेचुरल तरीका भी होता है जिसमें आपको गैस पे नहीं रखना होता, यानी पकाना नहीं होता है। तो वो तरीका क्या है, उसमें क्या करते हैं कि चीनी और ये जो गुलाब की पंखुड़ियाँ इन्हें आपस में क्रश करने के बाद इस तरीके से गैस पे नहीं पकाते, उन्हें हम 4 से 5 दिनों के लिए धूप लगा देते हैं, यानी वो धूप में धीरे धीरे करके पकते हैं। उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है 4-5 दिन का, लेकिन वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से तैयार होते हैं। और अगर आपको इस तरीके से
इसे फटाफट से इंस्टेंट तैयार करना है तो आपको जो मैं आज विधि बता रही हूँ ये विधि अपनानी होगी। दोनों तरीके से बना सकते हैं। वैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ किस तरीके से घर में स्टोर करें इसका वीडियो मैं आपके साथ पहले भी शेयर की हूँ और आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। अब ये जो मेरे पास शहद है एक चम्मच, इसे भी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ और ये देखिए फ्लेम बिल्कुल ही लो है, हाई फ्लेम नहीं करना है आपको। तो अब आप देख सकते हैं चीनी सारी जो थी वो गल चुकी हैं, तो गैस को आपको बंद कर देना है। मैंने गैस बंद कर दिया है और इस तरीके से ये गीला गीला ही होना चाहिए क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और ड्राई होगा, तो अगर आप बहुत ज़्यादा पका देंगे तो एकदम हार्ड हो जाएगी, चाशनी बन जाएगी और फिर बहुत हार्ड हो जाएगा आपका गुलकंद, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बस चीनी को मेल्ट करना है, ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसे ठंडा करेंगे और किसी भी कंटेनर में भर के फ्रिज में रख देंगे और आप इसे 2 साल तक चला सकते हैं, ख़राब नहीं होगा फ्रिज में रख के। तो ये देखिए हमारा घर का बना हुआ गुलकंद बिल्कुल तैयार है। जिस कलर का आपका गुलाब होगा आपका गुलकंद भी वैसे ही कलर का तैयार होगा। तो पिंक पिंक से हमारा गुलकंद भी पिंक पिंक तैयार हुआ है, बहुत ही मज़ेदार सा ये तैयार हो गया है। तो अब आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इसे आप एयरटाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में रख के 2 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।